हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक मेरी तरफ से। आज है ईद का थर्ड डे और मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर। पहले नानी के घर जाऊँगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे ज़रा शूट करने और फिर वही अपना खाने छाने का सीन। मोस्टली टाइम फूड व्लॉग्स ही कर रहा होता हूँ। खैर कोई नहीं, ये सब व्लॉग्स ही हैं, तो हमारा चैनल मल्टी चैनल है, जैसे कि हम मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल कि हम मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। ईद के फर्स्ट डे मैं गया था मुबारक मिली, लेकिन मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं किया बिकॉज हम लोग रैंडमली गए और हमें खुद नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसके लिए हम निकल गए, ठीक है, कहीं भी निकल गए, और लेकिन पिक्चर भी बहुत प्यारी आई थी जैसे कि आप देख सकते हैं। वैसे मैंने सेकंड डे जाना था, लेकिन एकदम से इतनी गर्मी हो गई कि हद है। वैसे रमजानों में इतनी गर्मी नहीं थी, फर्स्ट डे और सेकंड डे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। फर्स्ट डे तो हमारी बहुत अच्छी रूटीन गई, फिर शाम को मैं दावत पे चला गया, दैट्स व्हाई व्लॉग नहीं किया। सो यप, चलते हैं। एंड वंस अगेन आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं ऐसा कि नमाज़ पढ़ी है और जाते हैं फिर रेड पे। हमारे पास एक ही पॉइंट है जो कि हम बार बार दिखाते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल ईद का मैंने कहा दिन वेस्ट ना करें। हमारा प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर मैंने उसको बोला, क्योंकि एक बंदा है जो बार बार ना डिच करवा जाता है, बिजी इंसान। तो खैर कोई नहीं यार, हर कोई बिज़ी होता है, आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सो यप, चलते हैं आगे। आज हमारा कुछ अलग खाने को दिल है, ज़रा पाकिस्तानी डिश से हट के कुछ खाएंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं ट्रैक पे अगर कुछ सीन वीन हुआ तो वही हमारा कंटेंट एक अच्छा बन जाएगा। और ये जो जगह है ना कराची की, यहाँ पे आपको एक से एक गाड़ी मिलेगी, लाइक काइंड ऑफ नहीं, ये नहीं, इसके पीछे खड़ी होंगी, ये खड़ी हुई है, पूछो नहीं, ऑडी सिर्फ आगे खड़ी हुई है। वैसे बहुत मर्सिडीज खड़ी होती है, CLS खड़ी होती है, C-Class खड़ी होती है, बहुत खड़ी होती है यहाँ पे। वो आज काइंड ऑफ ऑफ डे है ना, तो इसलिए फिर उन्होंने डिस्प्ले पे गाड़ी नहीं खड़ी। और ये हमारे देखो शूट करा रहे हैं शपाटर बॉयज। हाँ ना, देखो शपाटर बॉयज, वो एक वीडियो वायरल हुई थी जो कराची के सारे स्पॉट्स हैं, नॉर्थ वॉक हो गया, ठीक है, फैजर हॉल हो गया, वहाँ पे सारे लॉन्डे पहुँचे हुए थे, सही फोटोशूट हो रहा था। खैर अभी हम लोग जाते हैं, अभी असर की हम लोग नमाज़ पढ़ी है, जा रहे हैं फेजेड की तरफ। आपको प्यारा सा सनसेट भी दिखाते हैं, जो कराची में नहीं रहते वो तो मिस करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, आप लोगों को शपाटरों का बहुत ज्यादा शोर आ रहा होगा, लेकिन उसको इग्नोर करना। पिक्चर्स वगैरह लेनी है, यू नो ईद की पिक्चर्स वगैरह। आजकल ना मेरी बहुत क्लास की पिक्चर्स वगैरह आती हैं, तो अगर आप लोग ने फॉलो करना तो इंस्टाग्राम आ रहा होगा, आप फॉलो वगैरह मुझे वहाँ पे कर दें, ठीक है। अब प्यारा सनसेट हो रहा है और ये व्यू, ये क्रिक विस्टा के अपार्टमेंट भी, हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, ट्रैक भी जाते हैं। अगर वहाँ पे AMG गैंग घूम रहा होगा तो फिर मैं अपने एक दोस्त को कॉल करूँगा, अगर वहाँ पे वो हुआ और फ्री हुआ तो फिर हम उसके पास जाएंगे। सो ये जा रहे शपाटर, हम जल्दी जल्दी पिक्चर लेते हैं। अबे बाइक वाला आ रहा है, बाइक वाला आ रहा है, मोबाइल छुपाओ। ओ MG, चलो यार हम पिक्चर में लेते हैं, फिर उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। भाई ये आवाम वहाँ पे चेक करें आप, कितनी आवाम आई है, कितनी आवाम। ओ MG, सारे फोटोशूट चपाटर। लेकिन यहाँ से ना यार, हम जितनी बार यहाँ पे आ जाए ना, यहाँ पे जो सनसेट का जो व्यू है ना, वो हर टाइम, मतलब के एक होता है ना कि आप देख के ना थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, नहीं, यहाँ पे जब भी आप सनसेट का व्यू देखेंगे आपको हर टाइम मज़ा आएगा और बहुत अच्छा फील करेंगे आप। और ख़ास तौर पे जब आप आए कबाब चीज़ कराची में, या फिर यहाँ पर, तो फिर बात ही अलग होती है। सो खैर अभी मगरिब होने वाली है, आगे हम ट्रैक में देखते हैं, ये पूरी ट्रैक है लेकिन मेन जो है ना वो आगे ही है। ये हम आगे आगे नहीं तो आपको मैं दिखाता, वो डोनट्स किसी ने किए हुए हैं, किसी कार वाले ने, क्या पता आगे होंगे, तो देखते हैं। ये भी कोई विंटेज कार आ रही है, कार का कंटेंट आपको भर भर के मिलेगा। ये तो विंटेज नहीं है, ऐसा है वो SLS है, वो मर्सिडीज़ की जो कन्वर्टेबल है। सो यप, ये कि अभी यहाँ के सिचुएशन है, सूरत हाल है। ओए 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 भाई 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 भाई, रे बहुत बड़ा चाचा, पाकिस्तान यहाँ पे भाई, जिधर दिल किया उधर घुस गए, हर चीज़ समझ के।
ये कबाब जीज वगैरह पे हर जगह रश है। और कबाब जी से याद है मैंने अभी तक व्लॉग एडिट नहीं किया, उसका रीजन ये है कि मैं जरा बिजी था। तो खैर पहले ये ईद का वो डालेंगे, ओ इसको करंगी का फोन वो वाला व्लॉग मैं बाद में अपलोड करूंगा, पहले ईद का अभी व्लॉग अपलोड करके वो वाला कर देंगे। खैर आप लोग एंजॉय कर लेना और थैंक यू आप लोग इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं। लाइक लिटरली अभी मैंने इस मंथ वीडियो भी नहीं डाला तो फिर भी ऑलमोस्ट 40 से 45 सब्सक्राइबर आए हैं, सो गुड सीन है माशाल्लाह। जी हम लोग ने एक स्पॉट ढूंढा है फोटो शूट के लिए, पीछे मार्केट अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, प्यारा सा सनसेट हो रहा है। वी आर हेयर एट दी अलाराही और अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट आए हैं। इस तरह का कुछ इनका मेन्यू है, इतने भी हमें क्या क्या ऑर्डर करना है। वैसे आप लोग को वाइब भी चेक कराते हैं, बहुत अच्छी वाइब है। खाना ऑर्डर करो, वाइब अच्छी है। जैसे हम वहाँ पे गए थे ना, रॉयल पे गए थे, रॉयल ताज में जौहर में गए थे हम लोग ईद पे लास्ट ईद में, उस तरह के वाइब अच्छी है, फैमिली अच्छा माहौल है। सो हम अवॉइड करेंगे ज़्यादा ब्लॉग करने को क्योंकि ऑब्वियसली फैमिलीज बैठी हुई हैं ज़रा। और किस कबाब रोल हमारा आ गया, ठीक है हम टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको ये रिव्यूज़ करते हैं। एक काइंड ऑफ स्टार्टर है, तो चलो भाई बिस्मिल्लाह करो यार। मैंने इसकी एक बाइट ली है और जो ये चीज़ निकल गई है ना, चस आ गई है बल्ला। ऑर्डर आ गया, हम लोगों ने स्टार्टर्स में वो रोल मंगवाए थे अरेबिक, और ये हमारे कबाब आ गए टर्किश कबाब, इसके साथ ये इनकी टर्किश रोटी होती है और ये हमारी मंदिल हांडी। तो आप इंजॉय करें सिनेमैटिक। भाई हमने इनकी वीडियो इतनी अच्छी बनाई है कि इन्होंने हमें ज्वेलरी का बॉक्स गिफ्ट किया है। ये देखो अभी हम खोलेंगे और लेकिन अच्छा सीन है। अब ये कुनाफा खा रहे हैं, रिव्यूज दो भाई इनको सही करके, सिस्टम अच्छा है। तो आपके सामने एक कुनाफा की बाइट ले लेते हैं। चलिए जी यहाँ से हम लोग फ्री हो गए, खा पी लिया, ठीक है मज़ा आया माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। हाँ तो खैर बहुत अच्छा है, अगर आप लोग आना तो ये फेज 6 में डीएच में। ओके एवरीवन, आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आज मैंने ट्रांजैक्शन न्यू ट्राई किए हैं तो ये भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और इसी तरह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड सब्सक्राइब कर देना, 4000 सब्सक्राइबर करवाएं और फिर इंशाल्लाह हम सोचते हैं कोई गिव अवे करने का। सो यप लेट्स गो एंड सब्सक्राइब टू माई फ्रेंड व्लॉग्स, बाय।